हेलो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है हाउ टू जॉइन अ मर्चेंट नेवी आफ्टर कंप्लीटिंग अ डिप्लोमा बेसिकली टू मेन स्ट्रीम्स ऑफ डिप्लोमा कैन ज्वाइन अ मर्चेंट नेवी पहला मैकेनिकल रिलेटेड फील्ड जैसे कि ऑटोमेशन ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और दूसरा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड फील्ड आप ये तीन कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिप्लोमा पहला डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग बी टेक इन मरीन इंजीनियरिंग एंड तीसरा इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर तो जानते हैं ये कोर्स के बारे में पहला है डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग ये कोर्स करने के लिए आपके पास मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल रिलेटेड स्ट्रीम का डिप्लोमा होना चाहिए और आप डिप्लोमा में 50 परसेंट से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए ये एक दो साल का कोर्स होता है और आपकी एज ट्वेंटी एट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप शिप पे एज अ जूनियर इंजीनियर और इंजन कैडेट ज्वाइन हो सकते हो तो दूसरा कोर्स है बी टेक इन मरीन इंजीनियरिंग आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड फ़ील्ड का डिप्लोमा होना चाहिए और अगर आपने नेवल आर्किटेक्चर और शिप बिल्डिंग में डिप्लोमा किया है तो भी आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आपको डिप्लोमा में फिफ्टी परसेंट मार्क्स होने चाहिए और आप ये बीटेक के चार साल के कोर्स में डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन पा सकते हैं और ये कोर्स करने के लिए आपकी एज ट्वेंटी फाइव ईयर्स होनी चाहिए ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप शिप पे एज ए जूनियर इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हो तीसरा कोर्स है ई टी ये कोर्स करने के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं आपको डिप्लोमा में सिक्सटी परसेंट मार्क्स होने चाहिए यह एक सेवेंटी सेवेंटीन वीक का सर्टिफिकेशन कोर्स है और इसके बाद सिक्स मंथ्स की ऑनबोर्ड ट्रेनिंग कंपलसरी है यह कोर्स की एज लिमिट थर्टी फाइव ईयर्स है और आप शिप पे एज अ ई टी ओ ज्वाइन कर सकते हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी डाउट